अरे दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज किस नई वीडियो में बात करेंगे जो विश्वविद्यालय व कॉलेज के छात्र उनके लिए जो आज की जरूरी अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। दो बड़ी अपडेट हैं, एक एक करके मैं दोनों बताऊंगा, तो ध्यान समझिएगा। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से अपडेट हो और आपको जानना भी ज़रूरी हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है दो मिनट में आपको जानकारी आपकी यूनिवर्सिटी से मिल रही है तो क्या जाता है, तो ध्यान से समझिएगा वीडियो, ठीक है। बात करते हैं पहली और बड़ी अपडेट की। जो पहली और बड़ी अपडेट आ रही, लगातार मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ कि जैसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आता हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करता हूँ। तो आज फाइनली एक और यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है 2021 में। इसमें लिखा है कि HPU शिमला BSc अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, 84% विद्यार्थी पास, संजय कुमार स्टेट टॉपर। हम आपके जानकारी के बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, शिमला में जो BSc के जो छात्र थे अंतिम वर्ष की, उनका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा, विश्वविद्यालय ने एक माह के भीतर अंतिम वर्ष का यह परिणाम तैयार कर घोषित किया। 7 अगस्त को BSc अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय ने अंतिम परीक्षा आयोजित की थी। ठीक एक माह में विश्वविद्यालय परिणाम तैयार कर 7 अगस्त को नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने से प्रदेश भर के हज़ारों परीक्षार्थियों को राहत मिली है। हम आपको बता दें कि जो BA BSc BCom या फिर MA MSc MCom की जो अंतिम वर्ष वाले छात्र, उनका रिजल्ट जल्द घोषित किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनके अगले कोर्स के लिए एडमिशन लेना या फिर कहीं उनकी मार्कशीट लगानी, इसलिए उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जा रहा है। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं BA BSc BCom वाले, उनका रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जाएगा, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन उनका अभी नहीं रिजल्ट घोषित किया गया, फिलहाल जैसे भी आएगा भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार यूनिवर्सिटी की ओर से रिजल्ट आते रहते हैं, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी रिजल्ट घोषित किया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, और मैं आपको बता दूँ जो भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र, इससे समृद्ध कॉलेज के छात्र हैं, वो अपना रिजल्ट घोषित तो हो चुका, तो वो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो अगली बड़ी जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी अपडेट इसमें ये है अगली, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 UGPG यानी कि BA BSc BCom MA MSc MCom में प्रवेश के लिए 10 सितंबर से शुरू हो सकते हैं आवेदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी इससे समृद्ध कॉलेज हैं उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान हैं। वहीं इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो सकती है। एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक छात्र आवेदन कर सकेंगे, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या से समृद्ध कॉलेजों में जो एडमिशन है वो ऑनलाइन आप लोग 10 सितंबर से कर सकते हैं। 10 सितंबर से आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे भी फाइनल निर्णय आएगा, फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।